हम आपको मिलवा रहे हैं रिसर्च स्कॉलर शोध छात्रा खुशबू जी से। खुशबू जी ने सोचा कि मोटे अनाज पे काम करना है, उसमें भी कंगनी पे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई मोटे अनाज है तो वो कंगनी है। तो उनको लगा कि डिंडोरी और मंडला जब जाएंगे तो कंगनी का देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग वहां पर खेती कर रहे होंगे। जब वास्तव में जब गई वे देखने के लिए तो इनको गिने चुने लोग वहां पर मिले और कहते थे कि हमारे बब्बा जी करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हमारे नाना जी करते थे। हाँ, किसी किसी ने कहा हमने देखा है। फिर इनको लगा खुशबू जी को कंगनी की खुशबू दूर नहीं जानी चाहिए। उसके लिए जो प्रयास ये छोटी सी उम्र में वो कर रही है वे स्वयं बताएंगी खुशबू जी। जी खुशबू जी। यस मैम, मैंने अभी तक अपने रिसर्च पीरियड में सारे मिलेट के बारे में थोड़ी बहुत जितना हो सका उतनी रिसर्च की और बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे जिसमें सबके बारे में मिला। सारे मिलेट्स सब में, मतलब हर एक मिलेट सब में एक ना एक पोषक तत्व सब में उपलब्ध है और कहीं ना कहीं हर एक तरह का पोषक तत्व थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट में सब में ही है। कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे अगर कोदो कुटकी और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें भी जैसे किमना एक नया आया है तो उसमें भी 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। वैसे कोदो कुटकी कंगनी और प्रोसो मिलेट में भी बहुत माइनर अमाउंट में ही पर उसमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। फिर अगर कंगनी की मैं बात करती हूँ तो वो प्रोटीन की दृष्टि से बाकी जो माइनर मिलेट है उसमें बहुत बेहतर है। इसमें जैंथोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर पीला होता है। इसके अलावा जो सामान्य रूप से जो देखा जाता है उसमें पीली कंगनी एकदम पॉपुलर है जिसे लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य रंग की भी जो कंगनी है वो देखी जाती है पर वो सामान्य रूप से अब विलुप्त होती जा रही है। तो मैं अपने रिसर्च के दौरान इसका फिर से उत्पादन चाहती हूँ जिससे ये फिर से जो हमारा मानव समाज है उससे वो लाभान्वित हो सके और अच्छे गुण उसके अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और स्वस्थ रह सके। आप अभी तक कितने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं? अभी तक मैंने 91 तो अभी तक मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं और आगे मैं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ढेरों बधाई देते हैं। थैंक यू।